नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे। ध्यान रखेंगे कि ये मौलिक कर्तव्य पीटी और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। ये बीपीएससी यूपीएससी के पीटी में भी यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में भी सवाल आएंगे तो आप निश्चित रूप से सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ठीक है, देखो निश्चित रूप से जहाँ तक मौलिक कर्तव्यों की बात है संविधान के अंदर, तो वो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऐसा नहीं है कि मौलिक कर्तव्य का कोई ट्रेंड हमारे यहाँ कोई नया है। रामायण काल से लेके महाभारत काल से लेके यहाँ तक कि गीता में भी कर्तव्यों के निर्वहन और कर्तव्य प्रायण बढ़ने की बात की गई है। तो इन सब कोई नई चीजें नहीं है हमारे देश के लिए, लेकिन आपके लिए जितने अधिकार की आवश्यकता है लोकतंत्र में उतना ही कर्तव्य की भी आवश्यकता है। नागरिकों को अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य निर्वहन के भी भाव उनके अंदर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक कोई नई चीज नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए। हमारे देश में तो प्राचीन काल से लोकतांत्रिक परंपरा बन रही है, हमेशा से रही है। तो इसमें सोचना यह है कि चलिए ठीक है, अगर ऐसे जब आधुनिक संविधान की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रसिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से हम प्रेरित हैं मौलिक कर्तव्य को लेके। नहीं, आप देखेंगे जो हम मौलिक कर्तव्य में जो मेरा जो दृष्टिकोण है जिन अप्रोच से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो हम मौलिक कर्तव्य का भूमिका और अर्थ समझाएंगे, फिर विश्लेषण में महत्व और समस्या और प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न पे बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से जो प्रश्न होने की संभावना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में जो प्रश्न पूछने की संभावना है मेंस के अंदर, मुख्य परीक्षा के अंदर, ये चार हो सकते हैं, अन्य क्वेश्चन भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ये चार क्वेश्चन को अगर लिख लेते हैं तो मौलिक कर्तव्य में कभी भी प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आप लिखने में सक्षम रहेंगे, चाहे यूपीएससी में आए चाहे बीपीएससी में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कमीशन में आए। ठीक है, पहला प्रश्न हमने आपको दिया है कि वर्तमान परिस्थिति में मूल कर्तव्य अप्रासंगिक नजर आता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य केवल पवित्र आशा मात्र नहीं बल्कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था में इसका विशेष महत्व है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाग 4 क में जो भी समाविष्ट किया गया है वह आवश्यक रूप से भारतीय जीवन पद्धति के अंगभूत कार्यों का संहिताकरण मात्र है। और चौथा क्वेश्चन है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये क्वेश्चन बताया गया है, जब हम पढ़ा देंगे आपको मौलिक कर्तव्य, तो ये चारों क्वेश्चन आप लिखिएगा और लिख के हमें सेंड कीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा तो हम उसे चेक कर लेंगे। ये आपका समझिए कि वीडियो के बाद ये चार क्वेश्चन लिखने का आपका ये कर्तव्य है कि आप उसे लिखें। ठीक है, और ऐसे भी एक प्रश्न हो सकता है कि मौलिक कर्तव्य अप्रवर्तनीय होने के बावजूद भी काफी महत्व रखता है ना, इसकी चर्चा करें भारतीय संविधान के अंदर कैसे। तो निश्चित रूप से यह भी एक क्वेश्चन के रूप में हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, और अप्रवर्तनीय और प्रवर्तनीय शब्द को मैं पहले समझा चुका हूं, जो मेरा राष्ट्रीय एकता और अखंडता वाला वीडियो है उसमें प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय का मतलब समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम अर्थ पे बात करें तो हम देखिए मोटा मोटी आप बात ये समझे कि भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह सरदार जी थे, 19 अगस्त को 1907 में इनका जन्म था, भारतीय राजनीति से जुड़े रहे। तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि कहते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा 8 कर्तव्य की ही थी, लेकिन
42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में 10 कर्तव्य जोड़े गए। ध्यान रखेंगे इसका चर्चा मूल संविधान में नहीं था, मौलिक कर्तव्य का हमने लिखा भी है कि मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था, बल्कि स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर 42वां संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं, लेकिन शुरू में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, और बाद में 86वां संशोधन 2002 द्वारा एक अन्य कर्तव्य जोड़ा गया, तो 11 कर्तव्य हो गए। ठीक है, यह मूल अधिकार के सापेक्ष है, फिर भी डीपीएसपी के भाग में जोड़ा गया। डीपीएसपी माने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसी भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। देखेंगे कि भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी। ठीक है, अब भाग चार के बाद भाग पांच है, तो भाग पांच में संघ है, राष्ट्रपति से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब इस चार और पांच में कहां जोड़ेंगे आप, चार क में या चार ए आप नया भाग जोड़ते, तो इसीलिए चार ए चूंकि नया भाग जोड़ा गया, इसीलिए यहां लिखा गया कि यह डीपीएसपी के भाग में ही जोड़ा गया, क्योंकि डीपीएसपी वाला भाग क्या है, भाग चार है, तो भाग चार ए जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से अब डीपीएसपी के ही ना भाग में जोड़ रहा है उसको। ठीक है, भाग चार ए जोड़ा गया क्योंकि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, क्यों जोड़ा गया ये भी सोच लीजिए, क्योंकि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय, भाग चार भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और भाग चार ए मौलिक कर्तव्य भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है और इसका स्वरूप नैतिक ज्यादा है, जाहिर सी बात है, कर्तव्य बोध अगर आदमी को अपना होने लगे उसके अनुसार काम, गांधी जी भी कहते थे कि अगर कर्तव्य बोध सबको हो तो किसी को कोई अधिकार क्यों सकता नहीं, अधिकार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सभी अगर अपने कर्तव्य को लेके अगर संजीदा हो जाए, कर्तव्य का पालन करने लगे, तो किसी तरह की समस्या ही नहीं रहेगी। नहीं, तो परिवर्तनीय नहीं है और इसका नैतिक ज्यादा है, साथ ही यह नागरिकों के संदर्भ में, तो जाहिर सी बात है कर्तव्य नागरिकों के लिए है। और ध्यान रखेंगे अभी हम इसके बाद आपको जितने भी 11 कर्तव्य है वो समझाएंगे, उसके बाद उसका महत्व और समस्या को समझाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम समझते हैं पूरे मूल कर्तव्य को तीन पार्ट में बांट के, है ना, इसके प्रकृति को, इसके नेचर। ठीक है, हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य के जो अन्य पार्ट है, अभी भूमिका ही चल रहा है आपका, इसमें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मूल कर्तव्य की जो प्रकृति है, यह हमारा जो कर्तव्य है वो देश और राज्य के प्रति है, समाज के प्रति है और स्वयं नागरिक होने के नाते है। ठीक है, आप तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं हट जाता हूँ कैमरे के पास से। ओके, जो मैं गांधी की बातें कर रहा था वो भी इसमें ब्लैक कलर से नीचे लिख दिया है कि गांधी जी का विचार था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे या निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपको आंसर राइटिंग करना है, जो चार क्वेश्चन दिए गए हैं उसको लिख के दिखाना है। और ध्यान रखिए, मौलिक कर्तव्य का उत्तर तब तक आप नहीं कर पाएगा जब तक 11वें कर्तव्य को आप नहीं समझेंगे। ठीक है, बाकी बातें हमने बता ही दिया है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि मौलिक कर्तव्य भाग चार एक क के साथ साथ उसका जो आर्टिकल है वो 51 क है, तो तथ्यात्मक रूप से ये बात आप ध्यान रखिएगा। पीटी में आने के लिए स्वर्ण सिंह समिति, इसके आर्टिकल, इसके भाग आते हैं, कौन से संशोधन से जुड़े गए भारतीय संविधान के अंदर, ये सब आता है पीटी के अंदर। लेकिन अभी जो मैं आपका व्याख्या कर रहा हूँ एकदम टोटली मेन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। तो जो तीन टाइप्स के मैंने कर्तव्य को बांटा है, देश और राज्य के प्रति, समाज के प्रति, स्वयं नागरिक होने के नाते, तो जो पहला हमने देखा है देश और राज्य के प्रति, उसमें 1 से 4 तक कर्तव्य है। जो समाज के प्रति है वो 5 से 7 तक है, और स्वयं नागरिक होने के नाते जो आपके कर्तव्य है वो 8 से 11 तक है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं या फिर मैं चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी हो बोर्ड पे, किसी अगर किसी वर्ड को लेके कि क्या लिखा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से डायरेक्ट आपके पास होगा मौलिक कर्तव्य वाले पार्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहला कर्तव्य है आपका देश और राज्य के प्रति कि संविधान का पालन करें। ठीक है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है,
आप निश्चित रूप से संविधान के प्रति संवेदनशील हैं, संविधान के को आप बचाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों का सम्मान करना तो आपको सीखना ही होगा। तो हम देखते हैं कि समाज में अधिकार सबको याद रहते हैं और कर्तव्य भूल जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये भी आपका निश्चित रूप से मौलिक कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य का पालन न करें, ठीक है। ये नैतिकता के विरुद्ध भी होगा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो आपका केवल भौतिक उत्थान ही ना हो, आपका साथ साथ नैतिक उत्थान भी जरूरी है, ठीक है। आपके भौतिक उत्थान के लिए आपके अधिकार की आवश्यकता है, तो नैतिक उत्थान के लिए आपके कर्तव्य बोध भी होना बहुत जरूरी है। तो नागरिकों को बहुत जरूरी है उसके कर्तव्य बोध का होना, ठीक है। दूसरा कर्तव्य है आपका कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनकी आदर्शों का पालन करें, ठीक है। जो भी उच्च आदर्श हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, आजाद हो, भगत सिंह हो, अशफाक हो, ठीक है, अनगिनत लोग हैं, उनको याद रखना है, उनको अपने दिलों में संजो के रखना है, उनके आदर्शों का पालन भी करना है। तीसरा आपका कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करें। भारत की एकता अखंडता की आपको रक्षा करना है और उसे अक्षुण बनाकर रखना। अक्षुण बनाने का मतलब है कि अगर आप इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हैं तो जो है उसको बना के रखिए, तोड़ने की तो बात कम से कम मत कीजिए, ठीक है, तोड़ने की बात मत कीजिए। हाँ, जोड़ सकते हैं तो पीओके को जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ नहीं सकते हैं लेकिन तोड़ने की बात करेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। आपको जो भारत दिया गया है कम से कम उसको अक्षुण बनाकर रखिए, नहीं जोड़ सकते हैं तो तोड़ने की बात कीजिए। चौथा है कर्तव्य आपका देश और राज्य के प्रति, वह है देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। हम समझते हैं कि सभी भारतीय नागरिक इस बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि राष्ट्र आवाहन करेगा तो हम निश्चित रूप से राष्ट्र की सेवा करने के लिए निकलेंगे। अभी राष्ट्र की सेवा करने के लिए हम लोग घर के अंदर हैं, लॉकडाउन नहीं, एक विचित्र लड़ाई लड़ रहा है देश, पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, ठीक है। उसमें भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमें लगता है कि इस जो कर्तव्य का आप निर्वहन कर रहे हैं ये देश और राज्य के प्रति ही आपका ये कर्तव्य है। दूसरा जो आपका कर्तव्य है समाज के प्रति, वो क्या है? देखेंगे चारों बातें मैंने अभी तक बात की, ऐसा लगता है कि देश और राज्य के प्रति ये कर्तव्य के लिए बात है, और पांच छह सात की बात करेंगे तो लगेगा कि एकदम समाज के प्रति ही आपका ये कर्तव्य है। तो पांचवा कर्तव्य जो समाज के प्रति है वो है भारत के सभी लोगों में समरसता यानी प्रेम और भातृत्व भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म भाषा प्रदेश और वर्ग पर आधारित। अब धर्म भाषा प्रदेश वर्ग मूल यही सब विषय होते हैं जिसपे आपकी भाईचारा बिगड़ सकती है, नहीं आपका प्रेम और समरसता बिगड़ सकता है, ठीक है। मेन रूप से तो इसी में आपको इन सब चीजों को, भाईचारा को, समरसता को दिखाना है या उस भाव को बनाए रखना है। सभी मैंने धर्म भाषा प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो समाज के प्रति ये भी आपका कर्तव्य है कि ऐसी भी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो तीन तलाक का मसला हो, नहीं चाहे वो पर्दा का मसला हो, क्या। छठा जो आपका पॉइंट है, जो कर्तव्य है समाज के प्रति, हमारी सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति का मतलब क्या, जो भी हमारी समस्त संस्कृतियां हैं, नहीं जिसमें विविधता है, जिसमें हम लोग विविधता की एकता की बात करते हैं, नहीं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, नहीं उसका सम्मान करें, ठीक है। जो आपका समाज के प्रति जो कर्तव्य है, सातवां कर्तव्य है, वो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील नदी और अन्य वन्य जीव भी है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ठीक है। निश्चित रूप से ये जो आपका सातवां कर्तव्य है समाज के प्रति वो बहुत महत्वपूर्ण है।
हालांकि प्राकृतिक पर्यावरण तो कुछ कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपका बहुत सहयोग है, मैंने घर में बैठे हैं आप सहयोग ही कर रहे हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा तो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ये भी आपका एक कर्तव्य है, ठीक है, कि जो प्राणी मात्र हैं, जो ऐसे जीव हैं जो आपके जैसे हम जैसे नहीं बोल सकते हैं, प्राणी हैं, हर छोटे मोटे जीव हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। अभी लॉकडाउन में मोदी जी अपने कॉन्फ्रेंस में एक बार कह रहे थे कि जो रोड पे जानवर हैं है ना, उनके भी भूख का आपको ख्याल रखना होगा, नहीं शुरू शुरू में, जिससे आता था सोशल मीडिया पर वायरल होता था कि कहीं बंदर हैं, कहीं कुत्ते हैं, जो जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, लेकिन हालात धीरे धीरे हाथ से बाहर होते जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इस जंग में हम लोग जीतेंगे। नहीं, सभी जीव से लेके, छोटे छोटे जीव से लेके मनुष्य तक सभी इससे प्रभावित हैं, निश्चित रूप से एक बहुत मुश्किल घड़ी से पूरा विश्व गुजर रहा है। खैर, जो स्वयं नागरिक होने के नाते जो जो आपके कर्तव्य हैं, जो 8 से 11 तक हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, जो आपके नागरिक होने के नाते आपको निर्वहन करना है। नहीं, वो ये है कि 8वां जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? विज्ञान पढ़ने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि हर चीज को लॉजिकली समझने का प्रयास करते हैं, है ना। मानववाद, मानव के द्वारा मानवता की खोज, जो पुनर्जागरण के दौर में ये शब्द आए थे, नहीं, मानव की रक्षा, मानव के विकास की बात, मानव के जीवन को आसान बनाना, सरल बनाना, नहीं, तो इसके लिए आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। ज्ञान वैसे भी ज्ञान अर्जन, अब भारत की आधी से अधिक आबादी है ना, CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, डी डॉग, डॉग माने कुत्ता, रटते रटते 40 साल की हो जाती है, ठीक है, तो कहां से ज्ञान अर्जन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो पाएगा? नहीं, तो अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कैसे हम विश्व पावर बनेंगे? इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन सत्य यही है कि लोग ऐसी ऐसी तैयारियां कर रहे हैं कि तैयारी करते करते वो 40 साल के हो जाते हैं, है ना। आगरा का ताजमहल कहाँ है, ये रटते रटते 40 साल के हो जाते हैं, है ना, स्क्वायर रूट रटते रटते 40 साल के हो जाते हैं। हम तो देख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, बड़ा अजीब अजीब लोगों से मुलाकात होती है ना। हम ग्रेजुएशन इसलिए नहीं किए सर, कैसे कि हमको खाली सिपाही बनना था, अतिरिक्त इसमें सिपाही बनना था, इसमें ग्रेजुएशन नहीं करना, ये कौन सा प्रेरणा आप है, ये कौन सा मोटिवेशन है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है, हम ज्यादा कुछ इस पर नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि इसकी जो मूल बातें हैं है ना वो समझें, ठीक है, और इसकी मूल बातें समझेंगे तो निश्चित रूप से रटना मना है, ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। अब कुछ लोग सफलता का मूल स्रोत ही रटना समझते हैं, तब इसमें हम क्या बोले, आपको अपने हृदय से समझना है, अपने आप से के करीब आइए, खुद को समझिए कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, अब खैर, नौवां जो आपका कर्तव्य है वो ये है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। देखिए, आपको नागरिक होने के नाते ये बहुत बड़ा कर्तव्य है आपका कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति तो है ना, जब आदमी भी बंद पे निकलते हैं तो लोग रेलवे लाइन कबारने लगते हैं, तो कहीं ठेला तोड़ने लगते हैं, किसी का रिक्शा तोड़ने लगते हैं, ये कौन सा आप कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं?
ये एक तरफ संविधान की रक्षा करने के लिए उतरते हैं, दूसरी तरफ अपने कर्तव्य का आप क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो कौन से संविधान की रक्षा। खैर, नागरिक होने के नाते आपको जो कर्तव्य है आपका वो ये है कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न पहुंचाएं और हिंसा से दूर रहें। दसवां जो कर्तव्य है आपको नागरिक होने के नाते वो ये है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, तो भारत के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का आपको सतत प्रयास करते रहना है। आपका जो नागरिक होने के नाते जो 11वां कर्तव्य है, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो शुरू में ही मैंने चर्चा किया कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा, माता पिता या जो संरक्षक हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें जिनकी उम्र 6 से 14 साल की है। ठीक है, जो आपके कर्तव्य में शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो माता पिता या संरक्षक हो, जैसी भी स्थिति में हो, 6 से 14 आयु में के बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह आपका नागरिक होने के नाते कर्तव्य है। एक बार पुनः मैं हट जाता हूं और स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। और गांधी कहा करते थे कि अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता है जैसे भारतीय संविधान का जो भाग 4A है, 51A जो आर्टिकल है, ये हमको लगता है कि हाशिए पे छूट गया है। सब लोग अधिकारों की ही बात करते, जितनी अधिकारों की चर्चा होती है उसका 1% भी कर्तव्य का चर्चा नहीं होता है। इसी कारण तो एक प्रश्न दिया है, क्या मौलिक कर्तव्य अप्रासंगिक हो गया है? नहीं, ऐसे सवाल पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नहीं, निश्चित रूप से सारे सवालों को समझना है या पूरे अधिकार कर्तव्यों को समझना है, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग करना है। इसके बाद हम आपके इसके महत्व और समस्या को समझाएंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे ताकि आप आराम से सवाल का उत्तर दे सकें। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्या समस्याएं हैं, क्या इसके महत्व हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का जो महत्व हम दिखाएंगे वो किस रूप में दिखाएंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं कैमरे से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एक बिंदु पे मैं बात करता हूँ। देखिए, मौलिक कर्तव्य का महत्व किस रूप में, कम से कम मैंने इस पे 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स दिखाए हैं। तो किस किस रूप में महत्व दिखाना है, एक महत्व तो आपको ये दिखाना है कि भारत में शिक्षा और जागरूकता की कमी है। ठीक है, ओवरऑल इस बात को मानना पड़ेगा आपको, भारत में शिक्षा और जागरूकता की कमी है, अतः फंडामेंटल ड्यूटीज जो मौलिक कर्तव्य है वो नागरिकों को मार्गदर्शन दे सकता है। इसके पालन से नागरिक उच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है, स्वयं और समाज दोनों का विकास भी होगा। इससे आपको फर्स्ट महत्व में आपको ये बातें दिखा देनी है। ठीक है, कि मूल बातें फर्स्ट पॉइंट यही है कि मौलिक कर्तव्य हमारे नागरिक को उच्च आदर्श प्राप्त करा सकता है और स्वयं और समाज दोनों का विकास इससे संभव है। दूसरा महत्व आपको ये दिखाना है कि मूल कर्तव्य में राष्ट्र के संदर्भ में ध्वज, राष्ट्रगान, संविधान के सम्मान की बात की गई है, जो नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा दे सकता है। राष्ट्र प्रेम मूल बात इसमें क्या है कि नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देगा, जो हमारी एकता और अखंडता को मजबूत कर सकता है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रवादी भावना ही हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाकर रख सकता है। इस बात का विश्व का कोई भी विचारक इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से एक दूसरा पॉइंट जो है आपके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का बढ़ावा होना, इस रूप में इसका महत्व दिखाना है। तीसरा पॉइंट में मौलिक कर्तव्य का जो महत्व आपको दिखाना है कि मूल कर्तव्य विवादहीन है। विवादहीन का मतलब कि सब नागरिक पे एक के समान लागू होता है। ठीक है, मूल कर्तव्य विवादहीन है और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, जिससे बंधुत्व की भावना का क्या होगा, विकास होगा और सभ्यता संस्कृति की भी रक्षा की जा सकती है, जैसे सांस्कृतिक विरासत, गंगा नदी, जामा मस्जिद आदि पहलू भारत की विविधता को बनाए रखता है। आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं। ठीक है, इस रूप में आपको महत्व दिखाना है। तीसरा पॉइंट में, चौथा पॉइंट में आपको जो मौलिक कर्तव्य का महत्व दिखाना है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों का आनंद तभी उठा पाएंगे यदि हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, यानी कि मौलिक अधिकार का
फंडामेंटल राइट्स का आनंद उठाने के लिए जरूरी है कि आप अपने मौलिक कर्तव्य का भी पालन करें, तभी आप सही अर्थों में अपने अधिकारों का आनंद उठा सकते हैं। तीन चार पॉइंट्स में आप अपने मौलिक कर्तव्य के महत्व को दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपका समस्या मौलिक कर्तव्य में और उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस पॉइंट्स के अलावे भी अगर आपको लगता है कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो निश्चित रूप से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं समस्या और उसकी मूल्यांकन। तो हम लोग मौलिक कर्तव्य की जो समस्या है महत्व के बाद ये समझेंगे और अंततः हम लोग मूल्यांकन को संदर्भित करेंगे और ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। समझाने वाली विशेष बात नहीं है, केवल हम समस्या वाले पॉइंट से अवगत करा देते हैं, ठीक है। आप लिंक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समस्या क्या है मौलिक कर्तव्य का, कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है केवल पवित्र इच्छा मात्र है, ठीक है। इसे लागू करने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर आता है, ठीक है। सिद्धांत लिख तो दिया गया है लेकिन प्रैक्टिकली लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इसको लागू करने के लिए कोई व्यवस्थित जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, ठीक है, बात समझे। तो इस कारण से आप जैसे मौलिक अधिकार के प्रति संजीदा हैं, जिस प्रकार मौलिक कर्तव्य के लिए, मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य के लिए कोई केस नहीं बनता आपके पास, तो आपको आपके लिए तो निश्चित रूप से व्यवस्थित तरीके से प्रैक्टिकली लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिद्धांत में तो है, पालन करें अच्छी बात है, नहीं करें तो जेल में डाल देंगे, नहीं डाल सकते। हाँ, कोई अलग फिर प्रक्रिया होगी उसकी, कुछ अलग कंडीशंस लागू करके किए जा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो समस्या ये है कि वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से यह पूर्णतः मेल नहीं खाता है, बल्कि अनिवार्य मतदान करों का भुगतान, परिवार नियोजन, स्वच्छता, अनिवार्य प्रशिक्षण आदि कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखाई नहीं देते, ठीक है। परिवार नियोजन भी तो एक आपका कर्तव्य है, स्वच्छता बनाए रखना, अनिवार्य प्रशिक्षण, लेकिन ये आपके मौलिक कर्तव्य में दिखाई नहीं देते इसके लिए, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है मौलिक कर्तव्य का। तीसरा जो समस्या है मौलिक कर्तव्य का, कि मूल कर्तव्य में अनेक प्रावधान दोहराव मात्र दिखाई देते हैं, जैसे मूल अधिकार में लिखे गए प्रतिबंध कर्तव्य के रूप में है, इसी तरह यदि कोई व्यक्ति नागरिक बनता है तो उसका स्वयं कर्तव्य होता है कि वो संविधान, राष्ट्रध्वज आदि का क्या करे, आदर करे। तो लगता है कि बताया तो गया है लेकिन रिपीट है, दोहराव है। कहने का मतलब है कि अगर हमें नहीं भी लिखते तब भी आप नागरिक होने के नाते इसका क्या करते हैं, आपका कर्तव्य होता है कि आप अपने संविधान का क्या करें, पालन करें, राष्ट्रध्वज का पालन करें, नहीं। तो तीन समस्या, चौथा समस्या में आप ये दिखा सकते हैं कि बस मैं केवल पॉइंट से अवगत करा रहा हूं ताकि आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत ना हो। समझाने वाली बातें काफी समझाया जा चुका है, मूल बातें थी 11 कर्तव्य को समझना, ठीक है। उसके बाद महत्व वाले पॉइंट को, समस्या वाले पॉइंट को केवल अवगत करा दिया जाए तो आप आंसर में उन बिंदुओं को दिखा दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो आपको दिखा देना है मौलिक कर्तव्य की समस्या, कि राज्यों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है मौलिक कर्तव्य में, तो राज्य के कर्तव्य के तो उल्लेख नहीं है, जैसे नागरिकों को काम दिलाना, निःशुल्क शिक्षा, इलाज आदि, है ना। नीति तो में है लेकिन कर्तव्य में नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन क्या करेंगे आप, अब मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मूल्यांकन आप महत्व, समस्या, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप मूल्यांकन करते हैं। तो लिखना क्या है, बैलेंस मूल्यांकन होना चाहिए, कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, जितना भी आपने विश्लेषण किया उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसकी समस्याएं हैं, ये जो समस्या अभी आपको दिखाया गया समस्याएं हैं, फिर भी महत्व तो कम नहीं होता, क्योंकि यह नागरिकों के नैतिक रूप से याद दिलाता है कि अधिकार के साथ उनके कर्तव्य भी है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा जागरूकता के द्वारा नागरिकों को इससे अवगत कराया जाए, उचित कार्रवाई का भी प्रबंध हो, जैसा कि राष्ट्रगान के लिए करना दी, ठीक है। तो लास्ट में मूल्यांकन एक पैराग्राफ दिखाते हैं और आंसर, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर आप करने में सक्षम होंगे, जो भी नए क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तब भी आप लिखने में सक्षम होंगे, क्योंकि जो 11 कर्तव्य है उसे आप नहीं हटा सकते, आप उन बिंदुओं को जानिए। मैंने पीछे भी कहा है कि मौलिक कर्तव्य के सवाल सॉल्व करने के लिए जरूरी हो जाता है कि आपको 11 कर्तव्य ध्यान रहे, ठीक है। और 11 कर्तव्य किस रूप में ध्यान रखना है, इसको मैंने 3 पार्ट में बांट के दिखा दिया है पीछे। तो निश्चित रूप से
इसका अमल करें, इसको आत्मसात करें और जो चारों क्वेश्चन है उसे लिख कर दिखाएं। ठीक है, जो ग्रुप में है वो ग्रुप में लिख के दिखाएं, कुछ लोग चाहें तो यहाँ भी अगर कमेंट बॉक्स में संभव हो तो लिख के दे दें, हम वहाँ भी उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है मौलिक कर्तव्य के लिए। इससे आपका पीटी भी क्लियर हो जाएगा, मेन भी क्लियर हो जाएगा, मेन के लिए कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होने वाली है मौलिक कर्तव्य जैसे टॉपिक को लेकर। जितनी बातें आपको बता दी गई है निश्चित रूप से आप इसको देखिए, समझिए, लिखिए, है ना। धन्यवाद।